असलकुम स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन आई एम योर मैम मैम उमैया एंड टुडे वी शैल रीड क्वेश्चंस फ्रॉम योर वर्कबुक ए बी सी डी ई एंड एफ एंड होमवर्क ऑन योर वर्कबुक्स फ्रॉम पेज नंबर फोर्टी एट टू फिफ्टी टू ये सब क्वेश्चन मैंने ऊपर जो मेंशन किए हैं इन्हीं पेजेस पर हैं ठीक है तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था डेयर स्टूडेंट्स वर्ब की काइंड्स पढ़ी थी तो आज हमने उन्हीं वर्ब की काइंड्स को जो है वो यूज़ करते हुए इन सब को जो ये जो एक्सरसाइज है ना आपकी वर्क बुक पर इसको कंप्लीट कर लेना है ठीक है तो सबसे पहला जो है वो देख लेती तो हूँ क्वेश्चन आज हम लोग द टेक्स्ट बिलो इज़ टेकन फ्रॉम आर नेटिव विच यूज मैनी Action verbs. Choose correct verb from the brackets to fill each blank. अच्छा उसने दो आपको words दिए हुए हैं ठीक है Action verbs. तो आपने इनमें से कोई एक जो सूटेबल है ना वो यहाँ पे पुट कर लेना है एक्शन वर्ब्स हमने लास्ट टाइम पढ़े थे ये वो वर्ब्स हैं जो कि फिज़िकल एक्शन को शो करते हैं तो अब हम देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ द चिल्ड्रेन ब्लैंक uh, है फिर रेस्ट और क्राइड रेस्ट का मतलब डे uh, स्टूडेंट्स होता है दौड़ लगाना ठीक है भागना या रेस लगाना जिसको हम बोल देते हैं जबकि क्राइड जो है इसका मतलब होता है चिल्लाना चीखना एक्साइटेडली डाउन टू सी द वेव्स मैंने लहरें डैट डैश चकल्ड का मतलब होता है आहिस्ता से हंसना ठीक है लाफ को, आ, इसको कहते हैं लाफ कॉटनी ठीक है और क्रैश्ड का जो मतलब है वो होता है गिरकर तबाह हो जाना ओन टू द स्टोनी श्योर स्टोनी का मतलब होता है पथरीला फोशर sure. अच्छा तो डेयर स्टूडेंट्स इसमें उसने क्या बताया आपको कि द चिल्ड्रन एक्साइटली एक्साइटेडली डाउन टू सी द वेव्स यानी जो चिल्ड्रन है बच्चे वो इन इनमें से आप देखें इसमें से सूटेबल कौन सा वर्ब होगा दो उन्होंने दौड़ लगाई है वो चिल्लाए एक्साइटेडली डाउन टू सी द वेव्स नीचे को लहरें देखने के लिए तो वो जाहिर दौड़े होंगे चिल्लाए तो नहीं ना नीचे को तो वो उन्होंने दौड़ ही लगाई होगी तो यहाँ पे रेस्ट आएगा फिर आता है डैट अब वो इन वेव्स के मतलब बात कर रहा है इसमें ठीक है वेव्स डैट डैश ऑन टू दोनी फोश और यानी कि लहरें जो के पथरीले फोर शोर पर आस्था से हंसती हैं या इसमें से आना गिर कर तबाह हो जाती हैं तो ये क्रैश आएगा क्रैश कैसे देखें जब आपने कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो ना जाने का तो लहर जब वो पत्थर से टकराती है है ना तो वो छोटे छोटे पीसेस में उस वो जो लहर का वो पानी होता है वो डिवाइड होता है और नीचे वापस चला जाता है ऐसे वो लगातार टकराता रहता है उनसे पत्थरों से तो ये वो यहाँ पे कहना चाहता है इट वॉज़ अ परफेक्ट डे ऑफ द ये यानी कहता है कि ये जो छुट्टियाँ थी उनके लिए एक आ, उनके आगाज़ का एक बेहतरीन परफेक्ट दिन था तो नेक्स्ट आपने खुद इसमें एक्शन वर्क पुट कर लेने हैं अब हम नेक्स्ट चलते हैं ये आपका पेज नंबर फोर्टी एट पे था अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्टी नाइन पे। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कंप्लीट ईच सेंटेंस विद विद अ व्यूटेबल एक्शन वर्ब फ्रॉम द बॉक्स यूज ईच वर्ब ओनली वंस यहाँ पे भी उसने एक्शन वर्ब्स ही आपको दिए हैं तो जितने इसने ये वाले एक्शन वर्ब्स नेम हैं वो हमने यहाँ पे पुट करने हैं एक मैं आपको एक दो बता देती हूँ द एरोगेंट बॉय डैश पास्ट द पीपल इन द क्यू एरोगेंट होता है प्राउडली गुरू करने वाला मुतकबर जिसको हम कहते हैं ठीक है बॉय डैश पास्ट द पीपल इन द क्यू क्यू मैंने कितार तो कहते हैं कि मतकबर लड़का जो है वो अब स्वैगर्ड यहाँ पे आएगा क्यों आएगा स्वैगर्ड का मतलब होता तो है कॉन्फिडेंटली चलना ठीक है द एरोगेंट बॉय स्वैगर्ड पास द पीपल इन द क्यू यानी कि उसने जो मतकबर लड़का था वो कॉन्फिडेंटली जो है लोगों के दरमियान में से कतार में से गुजर गया लोगों की कतार से ठीक है इसका ये बनेगा मतलब तो यहाँ पे स्पैगर्ड आएगा फिर है ही डैश इन द शेडोज अब यहाँ पे लर्कड आया है तो इसका मतलब होता है छुपा हुआ होना ही लर्कड इन द शेडोज यानी कि वो साई में छुप गया वॉचिंग या छुपा हुआ ही लर्ग्ड इन द शेडोज वो साई में छुपा हुआ वॉचिंग एवरी मोमेंट द ओल्ड मैन मेड मोमेंट होता है नकलो हरकत कहते हैं कि वॉचिंग एवरी the द ओल्ड मैन मोमेंट द ओल्ड मैन मेड देख रहा था हर वो नकलो हरकत जो कि हाँ, वो ओल्ड मैन कर रहा था ठीक है बस आपने उसने वर्ब्स ये हुए आपको एक्शन वर्ब्स वो आपने इसमें पुट कर लेने हैं नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट वो भी फोर्टी नाइन पेज नंबर पे है सर्कल द करेक्ट वर्ब टू यूज़ इन दी सेंटेंसेस ठीक है इसमें से भी आपने जो करेक्ट वर्ब है उसके गेंद उसने कहा है सर्कल करना है इफ़ यू विश टू इंश्योर ये वाला जो इंश्योर है इसका मतलब होता है यकीनी बनाना और फिर है इंश्योर इंश्योर का मतलब होता है बीमा करवाना है ठीक है कहते हैं ना बीमा लाइफ का जिसको इंश्योरेंस कहते हैं ये वो है और एश्योर का मतलब होता है यकीन दहानी करना डेट यू विल ऑलवेज हैव समेयर समवेयर कोई जगह टू लिव रहने के लिए यू मस्ट डैश योर हाउस इनके वो यहाँ पे क्या कह रहा है इफ़ यू विश टू यहाँ पे इंश्योर आएगा ठीक है यकीन नहीं बनाना इफ़ यू विश टू इंश्योर डेट यू विल ऑलवेज़ हैव समेयर टू लिव अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तुम इस अपनी इस ख्वाहिश को यकीनी बनाना चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह हो जहाँ तुम हमेशा रहो यू मस्ट इंश्योर इंश्योर यहाँ पे आएगा ठीक है योर हाउस तो तुम्हें लाजमी कहते हैं अपना जो घर है उसका बीमा करवाना चाहिए नेक्स्ट जो है वो आपने खुद कर लेना ये इजी है तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारा अब हमारा है डी पार्ट इसमें क्या करना है हमने बिलो इज अ डायलॉग इन नैरेटिव टेक्स्ट चूज़ द मोर सुटेबल सेइंग वर्ब टू कंप्लीट द टेक्स्ट अब हमने पिछले जो तीन थे उनमें पढ़ा था हमने एक्शन वर्ब ठीक है उसको पुट करना था उसके रिलेटेड थे वो सब अब है सेइंग वर्ब तो सेइंग वर्ब हमने क्या पढ़ा था क्या होते हैं सेइंग वर्ब्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं स्पीकिंग को और ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई चीज़ जो है वो कैसे कही गई है है ठीक तो जे अब इसकी वो एक्सरसाइज देख लेते हैं जेन हैड नेवर रियली लाइक कि जेन जो थी उसने कभी भी जो है वो मैं को पसंद नहीं किया था एंड नाउ द डिसलाइक हैड कम टू द फोर और कहते हैं कि अब जो उसकी नापसंदीदगी थी डिसलाइक थी वो सामने आ गई थी जेन्स ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम डॉल ले हेडलेस ऑन द ग्राउंड ठीक है हेडलेस बगैर सर के कहते हैं कि मतलब कि टूट गई होगी तो कहते हैं कि जेन की जो प्यारी सी ड्रेस वाली गुड़िया थी ठीक है कॉस्ट्यूम प्यारी सी कॉस्ट्यूम पहनी हुई गुड़िया थी वो बगैर सड़के ज़मीन पर पड़ी थी प्लीज़ फॉर गिव मी मेहरबानी फरमा कर मुझे माफ़ कर दीजिए अब इसमें ये प्लेडिड और सैड में से हमने एक जो है वो पुट कर लेना है में यानी या मैं जो है वो उसको कह रही है इट वाज रेल इट वाज एन एक्सीडेंट रियली ये वाकई एक एक्सीडेंट एक 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 था यानी उसे एक तरह की क्या कह रही एक तरफ उसने कहा सैड और एक तरफ है प्लीडिड होता है करना करना तो वो एक तरह से उससे रिक्वेस्ट ही कर रही है ना कि प्लीज मुझे माफ कर दो ये बस एक एक्सीडेंट था वाकई एक्सीडेंट था है ना तो यहाँ पे प्लीडिड आएगा ये सेंग वर्ब आएगा यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट आपने ये खुद फिल कर लेना ये भी इजी है मुश्किल नहीं है डेयर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम चलते हैं यू सी अ स्टेटिव वर्ब अब स्टेटिव वर्ब के रिलेटेड है ये क्वेश्चन ठीक है यूज अ स्टेटिव वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन ईच ब्लैंक रिमेंबर दैट स्टेटिव वर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल अबाउट फीलिंग्स थाट्स beliefs एंड ओपिनियंस जी तो हमने कहा था कि पढ़ा था हम लोगों ने कि स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं ये नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं ठीक है और ये फिज़िकल एक्शन से रिलेटेड नहीं होते बल्कि ये रिलेट करते हैं फीलिंग से थॉट्स से बिलीव से और ओपिनियन से और ये हमें कोई हालत को शो करते हैं ठीक है सिचुएशन कंडीशन को तो यहाँ पे उसने हमें कुछ स्टेटिव वर्ब्स दिए हुए ये वाले ये हमने इसमें पुट कर लेने हैं जैसे इन टू पेपर आई रीड द दैट सम पीपल हेट एनिमल्स हेट यहाँ पे आएगा कहते हैं मैंने आज के अखबार में पढ़ा है कि कुछ लोग जो है वो जानवर से नफरत करते हैं एंड एक्चुअली हार्ट देम हर्ट होता है तकलीफ पहुंचाना और और वाकई कहते हैं हकीकत में उनको ना तकलीफ है। हैं आई एडोर एनिमल्स एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ एनी वन कुड इंजर इंजर होता है ज़ख्मी करना ठीक है अ डॉग और अ कैट कहते हैं कि मैं जो मैं तो हूँ वो एनिमल्स को पसंद करता हूँ लेकिन मुझे कभी मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग जो हैं वो कैसे डॉग या कैट को जो है वो जख्मी कर सकते हैं ये भी इजी है ठीक है ये ये भी आपने नेक्स्ट जो है वो खुद फील करने हैं ओके देन लास्ट में है ये स्टूडेंट्स आपका यू रीड द फॉलोइंग डायरेक्शन इन रिस्पॉन्स टू दैम नोट दैट द वर्ड्स इन बोल्ड प्रिंट आर स्टेटिव वर्ब्स राइट योर ऑन आंसर्स इन कम्प्लीट सेंटेंसिस यूजिंग द स्टेटिव वर्ब्स एज शोन इन द एग्जाम्पल्स यानी यहाँ पे आपने उसने आपको एक स्टेटिव uh, वर्ब दिया हुआ है जैसे ये वाला ठीक है बोल्ड होता है बड़ा बड़ा उसने लिखा हुआ है तो आपने इसके अकॉर्डिंग ही जो है ना वो दो चीज़ें बतानी है इसमें इस, इस स्टेटिव वर्ब को यूज़ करते हुए जैसे नेम टू थिंग्स डैट यू डिस्पाइज यानी जिनको आप हकीर जानते हो जिन चीज़ों को नफ़रत करते हो तो आई डिस्पाइज इल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इल ट्रीटमेंट होता है नारवस लोक करना बैड बिहेवियर जिसको बोलते हैं कहते हैं आई डिस्पाइज इल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के मैं जो हूँ वो जानवर के साथ नारवस लोग से नफरत करता हूँ ये इसको नापसंद करता हूँ आई डिस्पाइज रूड पीपल रूड होते हैं थोड़े बदतमीज़ टाइप के लोग ना उनको बोलते हैं तो आई डिस्पाइज रूड पीपल कहते हैं मुझे रूड जो लोग हैं वो भी नहीं पसंद उनसे भी मुझे नफरत है नेक्स्ट ये आपकी खुद की स्टूडेंट्स एक्टिविटी है ठीक है तो उसमें अब आ, ये उसने दिए वे सब स्टेटिव वर्ब्स रिमेंबर है फ्राइटन है एम्यूज़ है लव है इनको यूज़ करते हुए आपने इसको फिल करना है जैसे वो पहले में कह रहा है राइट टू थिंग्स डेट यू रिमेंबर अबाउट योर फर्स्ट डे एट स्कूल यानी आप जब पहले दिन स्कूल आए थे तो उसके बारे में आपने दो चीज़ें लिख देनी जो आपको याद हो फिर आपने जी कहता है राइट अबाउट टू थिंग्स डेट फ्राइट यू जो आपको डराती हैं ठीक है थीके? दो चीज़ें वो आपने लिख देनी जिनसे आपको डर लगता है कुछ लोगों को फोबिया होता है है ना पानी का होता है किसी को उसका अंधेरे का होता है ओके वट आर द थिंग्स यू डेची यू मतलब जो चीज़ें आपको खुश करती हैं एंड वट काइंड ऑफ अ पेट वुड यू लव टू ऑन यानी अगर कोई पेट आपको रखने की जो है वो इजाज़त दी जाए तो किस तरह का किस किस्म का आप पेट रखेंगे तो मैं तो कैट रखूँगी पपीस रखूँगी छोटे बहुत क्यूट होते हैं वो तो डे स्टूडेंट्स ये हमारी जितनी हमने काइंट्स और वर्क पढ़ी थी वो सब इनमें मतलब के उनके ही अकॉर्डिंग है ये है सारे और वही हमने इस एक्सरसाइज में जितने भी ये पेजेज हैं उनमें आपने पुट कर लेनी है आई होप के और इससे आपको जो हमने पढ़ा था वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा आई होप के आपको समझ में आ चुकी होगी जितना भी मैंने पढ़ाया है भी समझ में आ चुकी होंगी नहीं भी समझ आई तो आप मुझे जो इनमें से चीज़ नहीं आपको समझ आई वो फिर आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा मैं आपको बता दूँगी अगेन ठीक है अल्लाह हाफिज़